So good morning everyone and welcome back to the second vlog of Goa series. We are in South Goa right now and kal humne explore kiya tha Majorda beach and Korba beach raat ko. Abhi main yahan se ja raha hu breakfast karne ke liye and uske baad wahan se hum jayenge Galjibaga beach, Parolam beach, Agonda beach and Butterfly beach. So trying to cover all four places. Agar nahi hote hain to we have 2-3 days aur bhi jagah hai cover karne ke liye, but abhi 2 din hai hamare paas extra, 22nd and 23rd. तो हम तब भी कवर कर सकते हैं, बाकी देखते हैं हाउ दिस डे ट्रीट्स अस। तो भाई वी हैव रीच नफ्तारा, दिस ब्रांड नेम इज नफ्तारा और ये फेमस है वेज फूड के लिए। तो अभी बस फटाफट से चलते हैं वेज अपना खाते हैं खाना और उसके बाद से निकलेंगे आगे टू गालजीबागा बीच। सो दिस इज व्हाट आई ऑर्डर्ड, मसाला डोसा, ये का साथ में चटनी हो गई, अभी बटन पे खाने। अभी वी जस्ट केम आउट फ्रॉम नफ्तारा एंड मेरा बिल है 170 रुपीज, विच इज़ वेरी रीजनेबल, मतलब 170 रुपये में पूरा पेट भर गया। बट अभी सीन ऐसा है कि अब फटाफट से निकलते हैं अपने होस्टल की तरफ एंड वहाँ से पिक करेंगे दोस्त को और फिर आगे घूमने जाएंगे। तो भाई अब वी आर बैक एट आर हॉस्टल और भाई भी हमारे साथ जा रहे हैं, सलमान भाई हैं, ये हमारे हॉस्टल रूममेट हैं हमारे, सलमान भाई हेलो बोल दो एक बार, हेलो। तो अभी का प्लान ऐसा है कि अब यहाँ से निकल के फटाफट से गलजीबागा जाते हैं, फिर उसके बाद अगोंडा, पैरलम और वो सब कवर करते हैं, वो वाली बेल्ट के नीचे वाली। तो लेट ना हो इससे पहले, बस फटाफट निकलते हैं। Here we are at the first destination of our second day, which is Turtle Beach. अब आप सोच रहे होंगे कि यार इसमें तो बोलते हैं गालजीबागा है, टर्टल बीच कैसे है। तो गालजीबागा बीच का दूसरा नाम है टर्टल बीच। दिस इज़ वन ऑफ द 3 प्लेसेज इन गोवा जहाँ पे टर्टल नेस्टिंग होता है एंड टर्टल्स भी अलग अलग तरीके के होते हैं। तो स्पेसिफिकली जो यहाँ पे जिनकी नेस्टिंग करते हैं और फिर पानी में डालते हैं बोलते हैं ऑलिव राइटली टर्टल्स। वो इतने छोटे छोटे होते हैं, जब वो अंडे से बाहर निकलते हैं बहुत छोटे होते हैं। तो उस समय जब मैंने बताया कि बीच सिक्लूड कर देते हैं, बंद कर देते हैं, तो उनको 8 से 10 दिन लगते हैं पूरा पानी में जाने के लिए, क्योंकि वेव्स हार्ड होती हैं कि वो शोर तक जाते हैं, देन वेव्स उनको पुश बैक करती हैं, फिर वो जाते हैं अंदर फिर पुश बैक करते हैं। तो 8-10 दिन लगते हैं उनको सिर्फ इतने से एरिया को कवर करने में कि अपने नेस्टिंग ग्राउंड से लेकर पानी के अंदर तक जाने में। This behind me, you can see this is the turtle nest. तो इसके पीछे की मैं आपको एक कहानी बताता हूँ क्या होता है एक्चुअली। तो जैसे रात को टर्टल जब आते हैं, मतलब दिन में नहीं आते हैं यूजली, रात को जब टर्टल्स आते हैं तो एक जो टर्टल है वो जब एग देती है तो उसमें सिर्फ एक एग नहीं होता, उसमें बंच ऑफ एग्स होते हैं। तो उस बंच ऑफ एग्स का एक नेस्ट बनता है एंड ऐसे यहाँ पे 36 नेस्ट हैं और इनका जो अंडे का रेंज होता है ये 40, 50, 100, 120 ऐसे भी जाता है, मतलब कोई फिक्स नहीं होता है। तो यहाँ पे आने का बेस्ट टाइम है अप्रैल और मई के अंदर, क्योंकि जब वो प्रोसेस होता है टर्टल्स जब एक से निकलते हैं और जाते हैं, बट उस टाइम पे बहुत ज़्यादा धूप होती है तो पता नहीं सीज़न वो सही है या नहीं। बट ये बीच काफ़ी शांत और सिक्योरिटी सा है, मतलब नॉट वेरी, मतलब साउथ में है तो बहुत लोगों को पता नहीं है, सब लोग पैलम और एगोंडा
इस बीच पे चले जाते हैं बट यू कैन कम टू दिस प्लेस टू दिस बीच इफ यू वॉन्ट टू एंजॉय द सेरेनिटी इफ यू वॉन्ट टू एंजॉय द पीस तो यहाँ पे आ सकते हैं. तो भाई हमारा पेट्रोल वॉज ऑलमोस्ट अबाउट टू गेट ओवर और हमने अंकल जी से पेट्रोल लिया है थोड़ा सा तो 120 रुपए की उन्होंने एक बॉटल दी है. ये जुगाड़ चल रहा है हमारा फ्यूल का. So this here is the Saddle XM Beach. This is one of the picturesque place of Goa. यहाँ पे आके photos वोटो खींच सकते हो and इतनी पतला है ये bridge कि इसमें सिर्फ एक ही vehicle जा सकता है अगर बड़ी मतलब एक car जा सकता है. Scooties एक दूसरे को पार कर सकती हैं. ये bridge को बने हुए ये बना था 2000 में मतलब it's been 24 years. मतलब सुंदर बहुत है but you can come here for like 20-25 minutes, 30 minutes maximum. Click the pictures, make your reels and then ahead. This is the whole river. This is the bridge, and then the river continues from there till this side. Indeed, a beautiful, beautiful bridge. एक तो इसका कलर बहुत अच्छा है. इसका कलर ब्लू होने की वजह से इसको हर थोड़ा पिक्चरिस्टिक बन जाता है. But yes, क्योंकि हमें और भी जगह कवर करनी है तो let's just move ahead and cover rest of the places of Goa, of South Goa. So we have parked our scooty, we came from this road and here is the entry of Agonda Beach. और ये जगह मुझे इतनी nostalgic सी feeling दे रही है because यहाँ से जब मैं आ रहा था I remembered the place where we had our lunch when I came with my friends 4 years back. Fatima's kitchen था उसका नाम. And then this path हम यहाँ से आए थे. I went running over there and I shouted. And now we are at Agonda Beach and look at the view guys. उसके आगे बीच भी है. Yeah, yeah. Yeah. Beach. Agonda, Agonda, Agonda. So this was the clipping from the previous vlog of my South Goa. So, but see this, it's so beautiful. These are the beds to sit and then look at this view. I'm not gonna say it like how I said in my previous video, but yes. The scene is absolutely beautiful. There are shacks over there to have food, to rest, and this is the whole Agonda Beach. Do subscribe to this channel. After spending some time at this beautiful Agonda Beach, we are planning to eat our lunch at this shack, which is Snoopy's Beach Bar and Restaurant. So looks pretty cool in front of the beach, has an amazing view, has an amazing vibe.
कौन कौन से फिश है, क्या क्या? पॉम्फ्रेट, रेड स्नैपर, किंगफिश, शार्क। अच्छा, और टाइगर प्रॉन्स एंड प्रॉन्स। तो सलमान भाई इनमें से कुछ सिलेक्ट कर रहे हैं खाने के लिए। शार्क खाने का प्लान बन रहा है इनका। और हमारा तो एज यूजुअल कुछ वेज में। तो अभी का प्लान ऐसे है कि यहाँ से हम जा रहे हैं टूवर्ड्स बटरफ्लाई बीच। पिछली बारी जब मैं आया था तब भी हम बटरफ्लाई गए थे, बट उस टाइम पे देर वर नो पीपल ओवर देयर, सिर्फ हम, मैं और मेरा दोस्त थे भरत, और मेरे खुद जो ग्रुप के दोस्त थे बाकी वो भी नहीं गए थे, सिर्फ मैं और भरत गए थे। बट इस बार देखते हैं कैसे रहेगा, क्योंकि पिछली बार तो होर्डिंग वगैरह भी कहीं नहीं थे, इस बार तो उन्होंने पूरा मार्किंग दिया हुआ कि इधर से बटरफ्लाई बीच है। तो लेट्स गो एंड लेट्स एक्सप्लोर एंड सी हाउ इट इज़ नाउ। अभी यहाँ पे 100 रुपये की एंट्री भी हो गई है, पहले नहीं थी, पहले ऊपर ही पार्किंग लगाते थे हम और चलते चलते नीचे आते थे, बट अभी 2 किलोमीटर अंदर और जाना है तो 100 रुपये की पार्किंग हो गई, और फिर वहाँ से 100 मीटर का पैदल का रास्ता है। So here we are finally at the Butterfly Beach, one of my favorite beaches in South Goa. जैसे कि मैंने बताया था last time I came here in 2019 और ये एकदम खाली था, मतलब कोई भी नहीं था मेरे और भरत के अलावा, और 2-4 लोग थे मैक्सिमम। और आज यहाँ पे पूरा भीड़ है, दे हैव मेड अ रोड, दे हैव, यहाँ तो टोल चार्ज हो गया भाई, मतलब आप 100 रुपये दो के ही अंदर जाओगे स्कूटी आपकी, तो ये सब हो गया। पिछली बार ऐसा कुछ भी नहीं था, बट द व्यू ऑफ दिस प्लेस इज एब्सोल्युटली अमेजिंग, आई लव दिस बीच। थोड़ा सा क्राउडेड होना शुरू हो गया है, आई नो कि जब ये यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये सब चीज़ों पर जाता है तो थोड़ा सा पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है, लोग देखते हैं, बट आई रियली लव द वाइब ऑफ दिस प्लेस। तो सुबह आओ या शाम का आओ, यू कैन हैव अ डिप ओवर हेयर, और पानी साफ रहेगा, एकदम ऐसे ग्रीन का ग्रीन रहता है। तो बस एक चीज़ है कि ऑफ द शोर व्हेन यू आर सिटिंग एट दिस, ये क्या बोलते हैं, पत्थर वगैरह पे, इस पे स्टोन से बैठ रहे हो तो उस पे अपना लेटर मत छोड़ो, जैसे यहाँ पे कहीं लोगों ने छोड़ा हुआ है, ये बियर के कैंस छोड़े हुए हैं, नींबू छोड़ा हुआ है अपना, ये नींबू, सिगरेट के डब्बे, तो ये सब मत करो। कीप द बीचेस क्लीन, जैसे मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि जिस जगह पे आप आए हो उसको वैसे ही छोड़ो, हो सके तो और बेटर बना के जाओ, बट गंदा मत करो। और अभी मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे एक ड्रोन शॉट भी लिया जाए और देखा जाए कि ऊपर से बीच कैसा लगता है। So finally we are here at Paralam Beach, which is the last destination of today. हमें लास्ट में यहाँ पे इसलिए आना था बिकॉज ये रात को जगह, शाम को जगह बहुत लाइवली हो जाती है, लॉट ऑफ पीपल कम हेयर, शैक्स पूरे लोगों से भर जाते हैं, एंड देन म्यूजिक प्लेज ऑन, और यहाँ पे सनसेट, एज यू कैन सी हाउ ब्यूटिफुल द सनसेट इज हैपनिंग ओवर हेयर। तो आज हमने जितने भी बीचेस कवर करे ये सब में से सबसे ज़्यादा क्राउडेड रहता है और सबसे ज़्यादा शोर शराबा और भीड़ यही रहती है। Be it Indians, be it foreigners, everybody come here to visit and enjoy that beautiful sunset. Galjibagh ka jaise jo beach tha, Galjibagh ka was shant, serene, beautiful.
अगोंडा भी अच्छा था एंड बटरफ्लाई तो है ही सिक्लूडेड, वो भी काफी सुंदर है, बट व्हेन इट कम्स टू पैरोडम तो ये सुंदर है विद अ लॉट ऑफ क्राउड. तो यू कैन सी बिहाइंड मी कितने सारे लोग हैं यहाँ पे. सो इफ यू वॉन्ट टू कम टू पैरोडम आई वुड सजेस्ट यू कि सनसेट देखने के लिए आओ एंड टू एंजॉय द वाइब ऑफ दिस प्लेस एट नाइट. We are at Pyramid right now and हमने यहाँ पे we have stopped at this restaurant, cafe bar कुछ ही बोल सकते हैं, which is called The Shore. And इनका ambience you can see is quite beautiful. यहाँ इनकी रहने की जगह है, then this their restaurant and उसके पीछे they have sitting on the beach also. तो हम तो पीछे बैठे हैं but वहाँ पे lighting वगैरह कम होती है, so I came here to shoot. क्योंकि आज यहाँ पे Sigmo Festival कुछ होना है तो दे आर सेइंग कि जो पैरलम के जितने भी शैक्स हैं दे विल क्लोज बाय 9:30 और 10, और 10 से 10 से लेकर 2 बजे तक वो बंद रहेगा. तो जितना जल्दी ऑर्डर हो जाए जितना जल्दी खा लेंगे एंड देन वील मूव अहेड टू मडगांव क्योंकि हमारा भी रास्ता बहुत लंबा है. तो यहाँ पे पीछे इनके दे हैव दिस प्राइवेट सीटिंग ऑल्सो, जो कपल्स हैं वो बैठ सकते हैं इस जगह पे. एंड अभी हम तो बीच साइड पे बैठे हैं आगे की तरफ, तो जगह बहुत सही है, इट्स वेरी लाइवली, वेरी अमेजिंग. और एक चीज़ है कि वन थिंग दैट यू शुड डेफिनेटली नो इफ यू आर चूजिंग टू ईट ऑन द बीच इज दैट यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होते हैं, सो डोंट पे एनी एक्स्ट्रा चार्जेस अगर ये लोग बोलते हैं तो. क्योंकि कहीं कहीं जगह पे देश है कि सर 10% एक्स्ट्रा लगेगा और वो भी पहले नहीं बताते, दे विल टेल यू इन द बिल, तो उसका थोड़ा ध्यान रखना. बट हमने यहाँ पे कन्फर्म कर लिया था, तो दे सेड कि हमारे यहाँ पे कोई ऐसे नहीं होता, तो इस वजह से वी आर सिटिंग ऑन लाइक ऑन द बीच, तो जस्ट टू एंजॉय द विंड एंड हैव द फूड. तो इस चीज़ का पूरा ध्यान रखें. तो दिस इज आर थाई करी, ये हमारे चावल एंड ये हमारी सॉफ्ट ड्रिंक, और सामने हमारे है व्यू बीच का सामने. अब पता नहीं अंधेरे में दिख रहा नहीं दिख रहा, बट लुक्स ब्यूटीफुल. फाइनली वी आर बैक एट आर होस्टल एंड क्या बताऊँ यार, मतलब आई डिडंट वॉन्ट टू शूट पैरलम से बाहर आने में. द रीज़न इज कि मेरा पूरा दिन इतना अच्छा चल रहा है, एवरीथिंग वॉज गोइंग ग्रेट, आई हैड सो मेनी गुड शॉट्स, बट वो कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा खुशी नहीं ले लेनी चाहिए. तो ऐसा हुआ कि पैरलम से मैं बाहर आया एंड हमने स्कूटर से कट लिया आगे गए एंड आई जस्ट रिमेंबर्ड कि यार मेरा ऑस्मो एक्शन, मतलब कहाँ गया वो जिसमें मेरा एक्शन कैमरा कहाँ गया. एंड मैंने वहीं रोड पे अपने उस दोनों, हम दोनों ने अपने बैग चेक करे, मैंने और सलमान ने, उसमें नहीं मिला. एंड देन वी वेंट बैक टू पैरलम बीच, हम जहाँ पे मैंने वहाँ पे लास्ट शॉट लिया था, जहाँ से मैंने टाइम लैप शूट किया, इट वॉज ऑन अ बोट. एंड मैंने बोट से बोट ढूंढी, बोट के अंदर ढूंढा, नीचे ढूंढा, मिट्टी में नहीं मिला. जहाँ पे मैंने लास्ट में डिनर किया वहाँ पे भी मुझे वो नहीं मिला. तो इतना बीटी हो गया यार, मतलब. और ऊपर से वहाँ पे आज शिगमो फेस्टिवल था, तो उन्होंने 10 o'clock 9:40 पे लाइट कट ऑफ कर दी एंड वी हैड टू रश बैक बिकॉज वो रोड्स बंद कर देते हैं और सबको बोल देते हैं कि आप अपने अपने घरों में चले जाओ, बिकॉज उस दिन दे बिलीव कि
भगवान जो हैं वो सड़क पे जाते हैं, भगवान जो हैं सड़क पे भागते हैं, एंड उस समय कोई भी रोड पे नहीं रहना चाहिए, तो उस टाइम पे रोड सब बंद रहती हैं। बट क्या करूँ, मतलब सारा मेरा दिन का ना पूरा मज़ा वो हो गया, मतलब क्या बताऊँ यार, इतना मैंने उससे इतने अच्छे शॉट्स लिए थे, उसमें इतने इंपॉर्टेंट शॉट्स थे मेरे। आई विल कॉन्टैक्ट देम टुमारो अगेन एंड आई विल सी कि भाई मिलता है नहीं मिलता। मुझे एक वहाँ पे बंदे ने बोला कि भाई अगर आपका गोवा में एक चीज़ खो गया ना तो वो मुश्किल है मिलना, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं वो बेच देते हैं। मेरे दिल बैठा जा रहा है सुन के। पूरे रास्ते आई वॉज नॉट एबल टू शूट, पूरे रास्ता आई वॉज सो सैड, एवरीथिंग वॉज गोइंग इन माई माइंड कि यार मेरा सारा फुटेज उसके अंदर पूरा डिवाइस सब खो गया यार। गाइज़ अभी जस्ट मैं कृष्णा रेस्टोरेंट से आया एंड मेरे सिर्फ 130 रुपए लगे और मस्त ब्रेकफास्ट हो गया। उत्पम खाया और साथ में चाय पी, चाय वॉज रियली अमेजिंग। तो ये छिल गया हल्का सा मेरा पैर यहाँ से। यार द ओनली थिंग आई एम रिग्रेटिंग एक मतलब एक चीज़ और कि एक तो पहले मेरा वो GoPro जो था DJI Osmo वो चला गया, एंड देन नेक्स्ट थिंग इज कि मेरा चश्मा मैं घर पे भूल गया। तो इस ट्रिप पे मैं पता नहीं क्या कर रहा हूँ, बहुत सारी थोड़ी थोड़ी बीटीज हो रही हैं, बट लेट इट गो।